दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल प्राइम टीम्स में। दोस्तों सबसे पहले जितने भी मेरे नए भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा हमारे पर विश्वास दिखाने के लिए, और जुड़े रहना कुछ मैचेस के लिए, हमारा वर्क देखना। फिर उसके बाद अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप बिल्कुल फ्रीली चैनल लीव कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, पहले वर्क देख लो। अब मैं आपको वीडियो के बारे में बता दूँ, YD वर्सेस TB, यूलॉन लगजेंस वर्सेस ताइवान BS का बहुत ही बढ़िया सुपर बास्केटबॉल लीग का मैच होने वाला है। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा 6 ग्रैंड लीग की टीम आपको किस प्रकार बनानी है, कौन से वक्त हो सकते हैं आपके लिए बेस्ट SP और स्मॉल लीग की टीम तो आपको प्रोवाइड ही कर दूंगा मैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करता हूँ। सुपर बास्केटबॉल लीग का जो मुकाबला होने वाला है आज लगभग 2:30 बजे के दरमियान होने वाला है और 30 अप्रैल यानी आज की डेट में ही होने वाला है। दोस्तों आपको बात याद रखनी है, दोनों ही टीम लगभग पिछले 3-4 मैचेस से कंटिन्यू खेल रही है, तो आपको एक कॉमन टीम ही मिलेंगी स्मॉल लीग में। ठीक है दोस्तों, हो सकता है आपके रैंक क्लैश हो जाए, तो स्मॉल लीग आपके आज के मैच में थोड़ा कम इन्वेस्ट करना, ग्रैंड लीग के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे देना। अब दोस्तों बात कर लूँ मैं वेन्यू की, तो ताइवान स्टेडियम में मैच खेला जाने वाला है जो कि ताइवान में ही है। ठीक है दोस्तों, आपको बात याद रखनी है। अब प्रोबेबल प्लाई 5 जो खेल सकते हैं दोस्तों, जो आपको बता दिया कि मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा अगर मुझे लाइनअप मिलता है तो जो प्रोबेबल 5 है आपको बता देता हूँ मैं, यूलॉन लगजेंस यानी YD की जो है वो लू है, केन है, बुलर है, गोव है और डोलास है। ठीक है दोस्तों, सभी अच्छे खिलाड़ी है, मगर इसमें से जो की प्लेयर्स है दोस्तों उसमें आप देख सकते हैं केन और बुलर दोनों ही आपको खेलते हुए नजर आएंगे, बहुत ही की प्लेयर्स है। और बुलर तो आपको कॉमन SP मिलेगा, चाहे फिर स्मॉल लीग हो या फिर ग्रैंड लीग हो। तो मैं बता दूं आपको, बुलर को आप ग्रैंड लीग में ड्रॉप भी कर सकते हो, और अगर खिलाते हो तो कैप्टन ना बनाओ तो भी चलेगा, क्योंकि हो सकता है अगर आप बुलर आज खेले ना या फिर फ्लॉप हो जाए तो आपको ग्रैंड लीग में अच्छी खासी रैंक मिल सकती है। और वहीं पर केन को भी आप एज ए कप्तान या फिर वाइस कप्तान ट्राई कर सकते हो। ताइवान बियर्स की बात कर दूँ दोस्तों, मैं बर्कले, इगोर, हुंग, चैंग और चाउ दोस्तों अच्छे खिलाड़ी सभी। ये चाउ जो है वो 8.5 क्रेडिट वाला है दोस्तों, तो इसको आपको बात याद रखनी है। और जो चाउ है ये आपको उसको आप कप्तान के तौर पर ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में। ठीक है दोस्तों, तो और यहीं पर बर्कले को भी आप ट्राई कर सकते हो, अच्छा खासा खिलाड़ी है। आपको एक बात बता दूं मैं दोस्तों, केन, बुलर और बर्कले आपको एक टीम में नज़र नहीं आएंगे क्योंकि क्रेडिट प्रॉब्लम होगा आपको, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बता दूंगा किस प्रकार आपको टीम बनानी है। और अगर क्रेडिट प्रॉब्लम नहीं भी होता है तो अगर क्रेडिट प्रॉब्लम होता भी है तो मैं आपको बता दूंगा स्मॉल लीग की टीम किस प्रकार बनानी है। अब मैं बता दूं थोड़े से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, थोड़े से जो आपको हेल्प करेगा टीम बनाने के वक्त। यूलॉन लगजेंस की बात करूँ दोस्तों तो केन और बुलर जैसे आपको पता है मिस नहीं करना है। और ताइवान बियर्स की बात करूँ तो दोस्तों बर्कले और इगोर, ये चारों खिलाड़ी अगर आप मिस करते हो ग्रैंड लीग में, भले ही एक टीम में ना बैठे, दो अल्टरनेट टीम बनाओ, उसमें बैठाओ और ट्राई करो ग्रैंड लीग में अच्छी खासी विनिंग करने का। अब बेस्ट शूटर की बात करूँ दोस्तों, जो आपको 3 पॉइंट और 2 पॉइंट मारते हैं फुटबॉल में, जो आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं, तो यूलॉन लगजेंस की बात करूँ दोस्तों तो केन है, 46 पॉइंट्स मार चुका है। और ताइवान बियर्स की बात करूँ दोस्तों इगोर है। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे खासे खिलाड़ी दोनों को SP रख सकते हो आप। अब बेस्ट बॉल स्टीलर, जो कि आप फुटबॉल में आप देखते हो तो बेस्ट बॉल टैकल्स जो करता है उसमें माइनस होता है, मगर इसमें प्लस होता है, तो ड्रीम इलेवन इसके प्लस पॉइंट देता है, इसको आपको बात याद रखनी है। और दोस्तों बुलर 11 रिबाउंड्स कर चुका है और इगोर भी 10 रिबाउंड्स कर चुका है, तो दोस्तों बुलर रिबाउंड्स करने में भी हेल्प करता है, इगोर भी करता है, तो आप इसको SP रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आपको बात याद रखनी है। पिछला एनकाउंटर दोनों में किस प्रकार खेला, पिछले एनकाउंटर में ताइवान बियर्स भले ही हार गई हो मगर मुझे लगता है कि आज ताइवान बियर्स जीतने वाली है मैच, तो आपको थोड़ा ये बात भी याद रखनी है क्योंकि हेड टू हेड रिकॉर्ड में ताइवान बियर्स बहुत आगे है। ताइवान बियर्स के 81 पॉइंट है और 99 पॉइंट्स यूलॉन लगजेंस के थे, दोनों ही लगभग इक्वली टीम है, आपको ये बात याद रखनी है। अब थोड़ा सा आपको फाइनल टीम दिखा देता हूँ मेरी किस प्रकार हो सकती है। तो दोस्तों जो भी भाई होगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेगा, यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आपको 6 ग्रैंड लीग टीम प्रोवाइड करूंगा और स्मॉल लीग की भी टीम प्रोवाइड करूंगा। तो जो भी नया भाई होगा उम्मीद करता हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, और लिंक में काम नहीं किया तो सिंपली आपको प्राइम टीम सर्च कर देना है और टीम ले जानी है यहाँ से। अब दोस्तों ये स्मॉल लीग की टीम है, ग्रैंड लीग के लिए टीम के लिए आपको बता देता हूँ मैं किस प्रकार करना है। आपको क्या करना है, ग्रैंड लीग की टीम में आपको दो के पेयर बना देने हैं। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जांपल भी बता देता हूँ मैं, बर्ले और बुलर एग्जांपल, दोनों BB वाले, आपको इन दोनों को एक टीम में रखना है। चाहे फिर आप क्या नाम है उसका वाला, यहाँ आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं, आप केन और बुलर को एक टीम में रख सकते हो, बर्ले और यहाँ पर आप देख सकते हो और एक इंपॉर्टेंट जिसको मैं मिस किया था, बताया था मैंने, जेड सेव को आप एक टीम में रख सकते हो दोस्तों, ये भी अच्छा खासा खिलाड़ी है। तो ऐसे दो के पेयर में आपको टीम बनानी है। अब मेरी ये स्मॉल लीग की टीम आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार मेरी स्मॉल लीग की टीम है। मैं आपको एक बार बता दूँ दोस्तों, आपको दिमाग पर जो बात रखनी है वो ये है दोस्तों कि कभी भी जो पॉइंट गार्ड होता है बास्केटबॉल में उसको ज़्यादा पॉइंट्स स्कोरने के चांस मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ज़्यादा पॉइंट स्कोर करते हैं हमेशा पॉइंट गार्ड,
और बाद में आप देखे तो सेंटर बाद में आता है जो पॉइंट स्कोर करता है, मगर यहाँ पे जो बुलर है वो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी थे, उसके बाद एसपी जा रहा हूँ मैं। आप चाहे तो यहाँ पर एम केन को भी एसपी रख सकते हो, थोड़ा सा यूनिक चॉइस है। मैं यहाँ पर 3 पॉइंट गार्ड के साथ जा रहा हूँ, 2 शूटिंग गार्ड, 1 स्मॉल फॉरवर्ड, पावर फॉरवर्ड, 1 सेंटर, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ से एक पॉइंट गार्ड हटा के यहाँ पर एक सेंटर खिला सकते हो, मगर क्रेडिट प्रॉब्लम के कारण मैंने इस प्रकार टीम बनाई है, जो मेरी बेस्ट टीम है मुझे लगता है। और 6 ग्रैंड लीग की टीम जो आपको टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, और स्मॉल लीग की टीम भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो भी नया भाई होगा टेलीग्राम चैनल जुड़ ज्वाइन करेगा। वीडियो पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना, और एक अच्छा सा कमेंट छोड़ देना।